सब्सक्राइब कीजिए रॉयल गुरुजी चैनल को और दबा दीजिए बेल आइकॉन को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले हासिल करने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद काशिम मकसूद और आप देख रहे हैं रॉयल गुरुजी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह अपने एंड्रॉयड डिवाइस में जो कि 8.0, 7.0 या कोई भी एंड्रॉयड डिवाइस आपके पास आज रन कर रही है उसमें आपने गूगल एंड्रॉयड पी को किस तरह इंस्टॉल करना है। एंड्रॉयड पी बीटा को आपने अपने मोबाइल फ़ोन में किस तरह इंस्टॉल करना है कि आपको ऐसा लगे कि जो आपका मोबाइल फ़ोन भी है वो भी एंड्रॉयड पी पर ही वर्क कर रहा है। ऐसा ना हो कि आपको लगे कि ये मेरा एंड्रॉयड ओरी पर वर्क कर रहा है। तो आप आज की वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आपने किस तरह अपने मोबाइल फ़ोन में एंड्रॉयड पी को इंस्टॉल करना है 9.1 को। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप अपने गूगल प्ले स्टोर को ओपन करना है। गूगल प्ले स्टोर को जैसे आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपने लिखना है सुपर पी लॉन्चर। तो जैसे ही आपके हिसाब से ऊपर आ जाएगा तो जो आपके सामने ये सुपर पी लॉन्चर आ जाएगा। तो ये इसकी थीम मैं आपको इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा जहाँ से आप जाकर इसको आसानी डाउनलोड कर पाएंगे। तो फ्रेंड, मैंने इसको परमानेंट पहले से डाउनलोड कर रखा है। इसकी 4.4 की रेटिंग है और 500,000 लोगों ने इसको डाउनलोड कर रखा हुआ है। ये कुछ इस किस्म का थीम है। तो फ्रेंड चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। पहले तो मैंने इसको डाउनलोड कर आपने इसको डाउनलोड कर लेना है तो मैंने चलिए इसको ओपन कर लेता हूँ जल्दी से। तो दोस्तों जो है मैंने इसको ओपन किया तो बीच में कुछ सेटिंग्स आएंगी, आपने उसको दोबारा से सेटिंग कर लेनी है, बट मैंने पहले से कर रखी हुई है। तो दोस्तों ये देखिएगा मेरे जो सामने व्यू अब दिखाई दे रहा है जो बिल्कुल एंड्रॉयड पी यानी आजकल जो लेटेस्ट गूगल पिक्सल नोकिया 7 प्लस या गूगल पिक्सल एक्सएल 2 या इस तरह के और जो एक दो डिवाइस हैं उनमें गूगल ने एंड्रॉयड पी जैसा एंड्रॉयड पी के वर्जन का सॉफ्टवेयर दिया है, अपडेट दी है। तो इसी किस्म का ये भी एक थीम है, इसी में आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये काफ़ी मज़ेदार किस्म का, यहाँ आप इसको ओपन करेंगे तो ये देखिए आपको सामने इस किस्म की एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप किसी भी एप्लीकेशन को ओपन भी कर सकते हैं अपनी मर्जी के अनुसार, बल्कि आप देख सकते हैं कि मेरा जो एंड्रॉयड डिवाइस है जो बिल्कुल एंड्रॉयड पी की तरह ही वर्क कर रही है। अब बाद में पहले आपके सामने कुछ ऐसा होगा कि आपके सामने कुछ रीसेट्स ऐप भी बार दफ़ा खुल जाती हैं जो कि आप इस मोबाइल में होती हैं। तो आपने ड्रा सेटिंग में जाने के बाद आपने यहाँ से रीसेट ऐप जो होंगे उसको डिसेबल कर देना है। और इसके बाद आप अपने जो है डिस्प्ले लाइन साइज़, अब आइकॉन का साइज़, आइकॉन का लेबल का साइज़ और इस तरह आप अपने आइकॉन की डायरेक्शन आपने किस तरह रखनी है, किस किस्म को रखनी है, वो सब कुछ आप यहाँ से तब्दील कर सकते हैं। तो दोस्तों तो ये काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का और कमाल का लॉन्चर है। यहाँ से आप किसी भी चीज़ को ओपन भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर सेटिंग को ओपन किया तो यहाँ एंड्रॉयड में गया तो यहाँ देखिए कि मेरे फ़ोन में फ़िलहाल तौर पर एंड्रॉयड 8.0.0 पर वर्क कर रहा है। तो वैसे अगर आप थीम में जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा आपका एंड्रॉयड फ़ोन एंड्रॉयड पी पर वर्क कर रहा है। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी ज़बरदस्त किस्म के और कमाल की एप्लीकेशन जिसके जरिए आप अपने मोबाइल फ़ोन को एंड्रॉयड पी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो देखने में ऐसे लगेगा कि आपका मोबाइल फ़ोन एंड्रॉयड पी पर ही वर्क कर रहा है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।